हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं जोधपुर घूमने। जोधपुर में ऐसी प्रसिद्ध कौन कौन से पर्यटक है जहाँ पर हम जोधपुर में घूम सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले मेहरानगढ़ का किला हो गया, उसके बाद में उम्मेद भवन पैलेस हो गया, खेजड़ा किला हो गया, शीश महल है, फूल महल हो गया, उसके बाद में जसवंत थाड़ा। ऐसी जगह है जो जोधपुर में आप घूम सकते हैं। इसके अलावा भी घंटाघर के बारे में आज का व्लॉग है, तो मैं आपको घंटाघर की सैर करवाने के लिए ले चलता हूँ। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो बात करते हैं जोधपुर में घंटाघर शहर के केंद्र में स्थित है एक शानदार क्लॉक टावर है, जिसे लगभग 200 साल पहले महाराजा सरदार सिंह ने बनाया था। क्लॉक टावर सड़क के बाजारों से घिरा हुआ है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध सरदार मार्केट है, जिसका नाम स्वर्गीय राजा के नाम पर रखा गया। जोधपुर में घंटाघर का निर्माण महाराजा सरदार सिंह 19वीं के शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। मेहरानगढ़ किले के पास एक प्रमुख स्थल के रूप में हुआ था। माना जाता है इस क्लॉक टावर को उस कंपनी से खरीदा गया था जिसने लंदन में क्लॉक टावर बनाया था। घंटाघर 19वीं शताब्दी के पत्थर की चढ़ाई का अच्छा उदाहरण है। घंटाघर पूरी तरह से बलुआ पत्थर से बना हुआ है। मेहरानगढ़ किले की पृष्ठभूमि में बलुआ पत्थर के साथ निर्मित घंटाघर 5 स्तरीय संरचना है। जमीन पर पहले स्तर में चौड़ी चकोर आकार की संरचना, जिसमें पट्टियों और झरोखों होते हैं। यह स्तर एक अष्टकोणीय पत्थर की बाड़ में घिरा हुआ है। अब बात करते हैं कि घंटाघर खुलने और बंद होने का समय क्या है। जोधपुर का लोकप्रिय पर्यटक स्थल क्लॉक टावर पर्यटकों के घूमने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। आपको बता दें कि घंटाघर में पर्यटकों के घूमने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। यह आप बिना किसी एंट्री फीस के घूम सकते हैं। जोधपुर में घंटाघर की यात्रा करने का सही समय अक्टूबर से मार्च तक का समय होता है, जिसमें सर्दियों के मौसम में इस शहर की यात्रा करने की शोभा को बढ़ाता है। अगर गर्मियों के समय में आप यात्रा करोगे तो जिसका जो भी तापमान है गर्मियों के अंदर 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। घंटाघर जोधपुर पहुंचने के लिए हवाई ट्रेन या सड़क मार्ग में